हरी कृष्ण एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल कैसे हो सारे के सारे होप यू ऑल आर डिंग ग्रेट नेम इज अनुराग एंड आई मेक स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट एंड मनी मोर सो यू गैस कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस वीडियो गोइंग टू बर आफ्टर कोचिंग रूटीन और हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट जो कि इस संडे को होने वाला है लक्ष्य नीट ऑनलाइन बैच में तो भाई पीडब्ल्यू से आने के बाद मैंने थोड़ी देर खाना वगैरह खाया फिर मैं सो गया था एक घंटे के लिए उठने के बाद मैं छत पर गया देख के आया कैसा क्या वेदर हो रखा है देन नीचे आके मैंने अपना टेबल साफ करा बिकॉज अच्छे वाला बिखरा हुआ था एकदम एंड ये मेरी कैंडल भी आ गई थी लास्ट वाली से इसकी और भी अच्छी फ्रेग्रेंस की, की बैठ गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए पर आ गया है, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नहीं, नहीं आने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे मार्क्स का है एंड अकेशकोर्स सिलेबस ज्यादा है तो हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी सो विदाउट एनी डिले मैंने सबसे पहले अपना टारगेट बनाया कि क्या क्या करना है एंड ये रहा द डे जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो सो so, भाई मैंने शुरुआत करी थी केमिस्ट्री मेड इजी से चैप्टर सॉल्यूशन के नोट्स रिवाइज करने से एंड नोटबुक में से मैं नोट्स इसलिए रिवाइज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो मैंने आज विद्यापीठ में कर लिए थे क्योंकि आज विद्यापीठ में ना चैप्टर वन सॉल्यूशन खत्म हो गया था तो सर ने पूरा चैप्टर एक बार समराइज करवाया था पूरा विद क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे दैट्स जैसे मैं सोचा मैड ईजी के नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ और साथ में जो यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हो कि आपसे फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं हाँ भाई मुझसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं एंड जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं उन्हें मैं डाउट के रूप मैं अपने टीचर से पूछ लेता हूँ ऐसा नहीं है भाई एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन कुछ में डाउट आता है तो वो मैं पूछ लेता हूँ एंड आप में से पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं मॉड्यूल्स या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करता हूँ पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर लगाता हूँ केमिस्ट्री का करने के बाद मैंने भाई थोड़ी देर अपनी है ना बोटने के नोट्स रिवाइज करे लाइक थोड़ी देर क्या पूरे ही जितने जहाँ तक हुए थे मैंने अपने नोट्स रिवाइज करे सारे बिकॉज कल मैंने इसके ना एनसीईआरटी रीडिंग ले ली थी शाम को बिकॉज कल क्लासेस नहीं थी एंड आज की क्लासेज मैं कल मॉर्निंग में लेने वाला हूँ बिकॉज मैं फ्रेंड को विद्यापीठ नहीं जाऊंगा तो आज मैं लेट नाइट स्टडी करके अपने ले लिया था थोड़ी देर ब्रेक और ट्रांजेक्शन साथ में मैं देख रहा था ग्रोवर की खाते -खाते। so शुरू कर दिया था अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रिवाइज करना एंड कुछ ही दिन पहले मैंने इनका इलीट प्लान भी बाय करा अपनी को और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग ले रहा था एंड वो एनसीईआरटी की लाइन है ना हाईलाइट कर रखी इन्होंने जहाँ से आया था एंड उस लाइन पर क्लिक करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन

एक फन वे में उन चीजों को याद कर पा रहा था एस वी गाइज ओल नो पहले तो सीबीएसई पेपर बनाता था यार नीट का तो पैटर्न अलग था अब बनाता है एनटीए तो ऑल ऑल पैटर्न चेंज हो गया है तो इस हेप की एक खास बात मुझे ये लगी मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन है ना एनटीए स्टाइल बेस्ड है जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड असेशन बेस्ड सारे लेटेस्ट पैटर्न पर एमसीक्यू यहाँ पर मिलेंगे तो मैं ना बोर होने लग गया था तो मैंने मीम क्रोल करना शुरू कर दिया था एंड मीम्स की फॉर्म में भी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे क्रॉसवर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है पजल्स एंड पॉडकास्ट तो हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं तो मैं सोचा इतना सब कर ही लिया तो एन सी आटर टी लाइन बाई लाइन क्वेश्चन भी लगाना शुरू कर देते तो कुछ गलत हो रहे थे कुछ सही हो रहे थे बट या कॉन्फिडेंस आ रहा था अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है इस चैप्टर का अब मैं टेस्ट में अच्छा ही स्कोर करूँगा इस चैप्टर को लेकर अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो एंड आप लोग मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो जो कि अनुराग ट्वेंटी जहाँ से ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिल जाएगा सो मेक श्योर टू चेकआउट वांस सुबह रात के बजे थे सवा बारह एंड मैंने नूडल्स बनाने का सोचा सो मैं किचन में गया नूडल्स का पैकेट निकाला एंड फिर मैं आराम आराम से काम कर रहा था बिकॉज सभी सो रहे थे वरना मैं आवाज़ करता तो भाई सभी डिस्टर्ब होते एंड पता है नूडल्स का जो स्पाइसी का लेवल था, था ना मिर्ची का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया बिकॉज़ फर्स्ट जो पैकेट था ना मसाले का उसमें से कुछ गिर गया तो मैं सोचा कभी कम पड़ जाए तो मैंने दोनों पैकेट डाल दिए एंड वो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला हो गया था मुश्किल से खाई गई फिर मैंने अपनी गैस वगैरह क्लीन करी बिकॉज मसाला गिर गया था वरना सुबह उठते ही डांट खाने को मिलती देन उसके बाद मैंने ना अपने फिजिक्स के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था एज वी बिकॉज ऑल नो कि मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं लगाए थे फिजिक्स के जो थ्योरी में एग्जाम्पल्स है ना मॉड्यूल की वहाँ वहाँ से वे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो आज मैंने ये एक्सरसाइज वन अपने क्वेश्चन कर रहा था सोल्व साथ साथ रफ नोटबुक में सोल्यूशन लिख रहा था प्रॉपर और अपने टिक कर रहा था मॉड्यूल में आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जिस दिन पी विद्यापीठ नहीं जाते हो तो आपका बैकलॉग नहीं बन जाता है पी विद्यापीठ में सो so, देखो मैं बता दूँ विद्यापीठ में, में मेरी क्लासेस नाइन्थ ऑफ अप्रैल से शुरू हुई थी एंड ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ अप्रैल से हो गई थी तो ऑनलाइन सिलेबस में आगे चल रही है एंड विद्यापीठ चल रही है भाई सिलेबस में पीछे कभी कभार वो आगे चली जाती है और वैसे भी मैं जो नोट्स है भाई वो मैं ऑनलाइन से बना रहा हूँ तो वो चीज़ मेरी ऑनलाइन में अपने आप ही कवर हो जाती है अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर बैकलॉग बनी जाता है तो केवल मैं वहाँ पर है ना रिवीज़न के लिए हो जाता है मेरा डबल रिविज़न हो जाता है ऑनलाइन से ही मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ हूँ एंड यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था भाई अपने सोलूशन वाले चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू उस वाल के क्वेश्चन बैंक से पोर्टेबल टाइप टाइपे मैं साथ साथ एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा था जो थ्योरी के थे मैं वो उन्हें पढ़ के मतलब पेन से जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रही थी उन्हें मैं हाईलाइट कर रहा था एंड भाई बच गए थे लाइक वन थर्टी और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद तो मैं चला गया था सोने के लिए आज के लिए इतना ही कैसा लगा वीडियो बता देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू गाई सो सो मच अपना ध्यान रखो राधे राधे बाय बाय